वेलकम स्टूडेंट्स आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर थर्टी वन जो की, की वर्कशीट वर्कशीट इस वोक्षीट में हम देखेंगे मैथ्स की वर्कशीट के अंदर ट्रायंगल चैप्टर और ट्रायंगल के अंदर हम पहले भी हम कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया पहले पढ़ चुके हैं तो उसके के बेसिस पे हम आज कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें अपने आप जब आप ये दो क्वेश्चन जो हम, हम यहाँ पे जो प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं वो हम कर लेते हैं पहले उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें इनमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर भी वीडियो अलग से बनाने की तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं तो पहले आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लें और उसको हम डायग्राम बनाने का कोशिश कर लेते हैं प्रैक्टिस कर लेते हैं पहला बोला है ए डी इज एन एल्टीट्यूड ए डी इज एन एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड का मतलब हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था एल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री पे बनी हुई कोई लाइन और फैन आइसोसलिस ट्राइंगल कौन सा होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है ट्राइंगल का नाम दे रखा है एबीसी वो भी देख लेते हैं तो यहाँ पर हम पहले बना लेते हैं एक ट्राइंगल तो ट्राइंगल हमने आप यहाँ बना लिया ट्राइंगल बन गया ए बी सी ठीक है आइसोसलिस बोला तो ये और ये इक्वल हो गए तो हम यहाँ पर जो है गिवन में लिख देंगे ए बीवल टू ए सी ये आइसोसलिस की कंडीशन है यहाँ पे दे भी रखी है उन्होंने उसने बोला एडी इज एन एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड क्या होती है एक सीधी लाइन होती है जो 90 डिग्री पे आती है एडी जो है एक एल्टीट्यूड है 90 डिग्री पे तो ये डी पॉइंट हो गया तो यहाँ पे गिवन दूसरी चीज क्या हो गई एंगल डी जो हो गया वो 90 डिग्री हो गया ओके अब उसने बोला है ए डी अ अट ऑफ बी सी डी जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू प्रूव कि हमें इस क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है टू प्रूव करना है बी डी की जो वैल्यू है वो डी सी के इक्वल है ये हमें प्रूव करना है तो स्पेस यहाँ पे थोड़ी से कम है तो मैं यहाँ पर प्रूव कर रहा हूँ तो जरा ध्यान दें इसके ऊपर प्रूफ के ऊपर हम क्या करेंगे इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेन प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो यहां पे लिख देते हैं इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल कौन सा है सी ठीक है पहली चीज क्या मिल गई हमारे पास ए बी और ए सी तो इक्वल है ही तो हम पहले वो लिख देते हैं ए बी इक्वल्स टू ए सी तो ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन दूसरी चीज दे रखी थी उन्होंने की ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है तो मेक श्योर sure, एंगल डी मत लिखें पूरा नाम लिखें एंगल ए डी बी और ए डी सी तो फिर लिख देंगे एंगल ए डी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा इक्वल हो जाएगा तीसरी चीज बहुत ही ज्यादा मुश्किल जब हो जाए तो इसका मतलब आप सोचें कुछ कॉमन होगा तो ये देख रहे हैं एडी एडी कॉमन है दोनों ट्राइंगल में दीवार चिपकी हुई है तो एडी एक टू ए डी तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे कॉमन तो तीन चीजें मिल गई हमें एक साइड मिल गई ये साइड मिल गई और एक एंगल मिल गया तो लेकिन एंगल कौन सा मिला 90 डिग्री नाइन्टी डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस और एक साइड मिल गई तो हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे ट्राइंगल ए डी सी बाय आर एच एस क्योंकि हमने राइट right एंगल लिया हाइपोटेनियस लिया और साइड ली कॉन्ग्रेंट हो गया अब कॉन्ग्रेंट होने का मतलब होता है जो बाकी बची हुई साइड हो जाती है वो इक्वल हो जाती है तो देयर फोर बी डी इज इक्वल टू डी सी बाय सी पी सी टी वर्कशीट के लास्ट uh, वर्कशीट में हमने कमेंट सेक्शन में बच्चों से पूछा था सी पी सी टी की मतलब क्या है तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत सही आंसर इसका दिया सी पी सी टी का जो मतलब उन्होंने बताया वो बताया कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बिल्कुल ठीक जवाब है उन बच्चों के लिए तालियां और वेरी गुड इसी तरीके से आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस और आंसर्स देते रहें बताते रहें बहुत मजा आता है उस तरीके से पढ़ने में अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ फिगर दे रखे बट तब भी हम समझ लेते हैं क्योंकि पेपर में कई बार होता है फिगर नहीं देते हैं ट्राइंगल ए बी सी एंड बी बी सी आर टू आइसोसलिस ट्राइंगल आइसोसिल का मतलब हो गया ये साइड ये साइड इक्वल हो गई और ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई हम यहां पे गिवन में लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो पहली गिवन में क्या चीज मिल जाएगी ए डी ए बी इक्वल्स टू सी तो यहां पे लिख देते हैं ए बी इक्वल्स टू सी दूसरी चीज मिल गई हमें दूसरे ट्राइंगल में बी डी इक्वल्स टू सी बी डी इक्वल्स टू सी ठीक है आइसोसलेस बोलते ही दो साइड इक्वल हो जाते हैं देख ले आप कौन सी दो साइड इक्वल है ऑन द सेम बेस बी सी बी सी सेम बेस है इसमें तो कुछ पता नहीं चल रहा एंड दर्ट ए एंड ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी मतलब सेम साइड मतलब इस साइड या इस साइड दोनों दोनों ऊपर की साइड या दोनों के दोनों नीचे की साइड है तो कोई एक साइड होगा वो कौन सा है वो आपने फिगर में देख लिया है वो ऊपर की साइड उन्होंने बना दिया है डेड ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेट ए डी बी ए बी डी ए बी डी कौन सा है ये रहा। मार्क कर लेते हैं टू ए सी डी हमें दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रंट प्रूव करना है तो कॉन्ग्रन प्रूफ करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती है जैसे कि आप अभी तक पढ़ चुके हैं देख लेते हैं हमें तीन चीजें मिल रही है नहीं मिल रही देखो पहली चीज ये मिल गई ये दोनों इक्वल दूसरी चीज ये दोनों इक्वल तीसरी चीज ये कॉमन बहुत बढ़िया डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो पहले हम इसको टू प्रूफ में क्या लिख देंगे टू प्रूव। टू प्रूफ प्रूफ में बच्चों ये लिख देना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं आपका यहाँ पे ये टू प्रूफ में लिख देना आइए हम चलते हैं अब अपने प्रूफ की तरफ और जरा बताइएगा कि पढ़ने में समझ में आ रहा है क्योंकि ये नया हमने स्टार्ट करा है इसी पे लिखने का इससे थोड़ा टाइम भी बचता है और वर्कशीट भी अच्छे से समझाई जा सकती है ये आपको पढ़ने में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताएं हम पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल तो इसलिए सीख रहे हैं नया है लिए भी तो ए बी डी एंड ट्राइंगल थोड़ी जगह वहां पे कम है दूसरा ट्राइंगल कौन सा है ए सी डी बताओ आप बताओ कौन सी पहली साइड इक्वल है जल्दी जल्दी करो मेरे साथ ए बी इक्वल्स टू ए सी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा गिवन क्वेश्चन में जो चीज वो बोल देता है वो गिवन हो जाता है दूसरा बी डी क्वल टू डी सी गुड वन तीसरा तीसरा देखो कॉमन हो जाता है बहुत बार कॉमन एडी एडी कॉमन एडी इक्वल्स टू ए डी तो ब्रैकेट में आ जाएगा कॉमन तो so ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रेंट तो ट्राइंगल ए बी डी टू ट्राइंगल तो ये हमारा हो गया हैंस प्रूफ ठीक है हैंस प्रूफ हो गया हमारा तो कैसा लगा आपको ये वाला वर्कशीट जो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अभी आज के लिए इतना ही आप अपने जो है सजेशन हमें देते रहे और अपना लाइक like करें सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप अभी तक आपने नहीं करा है और आगे भी फॉरवर्ड करते रहे Thank you for watching. See you in the next video.